भारतीय सेना की सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अब तक के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्त भारतीय सैनिक के बारे में, जिनकी वीरता और बहादुरी के दुश्मन भी कायल थे। हम बात कर रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक होल्डर अरुण खेत्रपाल जी की। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना महाराष्ट्र में हुआ था। एनडीए में अरुण स्क्वाड्रन कैडेट के रूप में चुने गए, जिसके बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में सीनियर अंडर ऑफिसर बना दिए गए। 13 जून 1971 वो दिन था जब वे पूना हॉर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। दोस्तों, दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में 16 दिसंबर को अरुण खेत्रपाल जी एक स्क्वाड्रन की कमान संभाले ड्यूटी पर तैनात थे। तभी एक और स्क्वाड्रन का संदेश मिलने पर वे मदद के लिए अपनी टुकड़ी लेकर शकरगढ़ के जरपाल की ओर गए। इस दौरान दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते हुए उनका टैंक भी दुश्मन के निशाने पर आ गया था, लेकिन परिस्थितियों की जरूरत को देखते हुए वे आग लग जाने पर भी टैंक से नहीं हटे और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकते रहे। इस बीच उनका टैंक एक आघात के कारण नष्ट हो गया और भारत माता का ये वीर सपूत देश के लिए शहीद हो गया। दोस्तों, युद्ध में अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए दुश्मनों के सामने अपने पराक्रम और अद्भुत शौर्य के लिए मरणोपरांत अरुण खेत्रपाल जी को सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। टीम मिक्स्ड माइंड्स ऐसे वीर भारतीय सैनिकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है।